ये जो हमने वीडियो में देखा, ये कौन लोग हैं जिनके साथ आप काम कर रहे हैं? सर, ये बेसिकली अनाथ और बेसहारा लोग हैं, क्योंकि हमारे समाज की विडंबना है। वैसे तो हमारा देश शरवण कुमारों से भरा पड़ा है, लेकिन कुछ बच्चे इतने घिनौने अपराध करते हैं, जो अपने बूढ़े माता पिता की पिटाई करते हैं, उनको घर से निकाल देते हैं, उनको खाना नहीं देते, दवा नहीं देते, अस्पतालों में ले जाके उनका इलाज नहीं करवाते, और बहुत बार तो उनको सड़कों पर मरने के लिए छोड़ देते हैं। मतलब इतने इतने भयानक केसेस हमारे यहाँ पर आते हैं। जैसे सर, एक एडमिशन आया जिसमें एक लड़के ने अपने बूढ़े पिता को 10 साल से कमरे में बंद किया हुआ था, और वो सारी प्रॉपर्टी उसकी हड़पना चाहता था, तो उनको पुलिस छुड़वा के लाई। सर, एक एडमिशन ऐसे आया जिसमें एक लड़का गाड़ी में आया, बोलता है कि मेरी मदर को एडमिशन दो, तो और बहुत प्रतिष्ठित परिवार से थे। जब वो अपनी मदर को लाए तो हमारे पांव के नीचे से जमीन निकल गई। उनकी मदर का कुल वजन सिर्फ 12 किलो ही था। सर, उनकी 100 एकड़ जमीन थी, और बेटे ने अपनी मदर को 5 साल से टॉयलेट में बंद किया हुआ था। बोलता है सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करो, बहनों को नहीं देनी। और सर, एक एडमिशन ऐसे आया जिसमें कि हम दहली गए कि बच्चे कितने घिनौने अपराध कर रहे हैं। सर, एक लड़के ने तो क्या किया, उसके पिता कोमा में चले गए थे, तो वो लड़के ने सर धोखे से अपने पिता का घर बेच दिया और अपना US का ग्रीन कार्ड बनवा लिया, और फ्लाइट के 4 घंटे पहले अपने फादर को किराए के कमरे में बंद करके कमरे में बड़े बड़े चूहे छोड़ दिए और खुद अमेरिका भाग गया। इसके अलावा सर, क्रुएलिटी इतनी चरम सीमाएं पार कर चुकी है कि इंसान सिर्फ अपने ही शेल में होके रह चुका है। हम पत्थर देर और कठोरता की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो सर, मैं आधी आधी रात को जाकर ऐसे लोगों को सड़कों से ढूंढता हूँ जिनको कीड़े पड़े होते हैं, जो लाइलाज बीमारियों से ग्रस्त होते हैं, या ऐसे लोग जो सड़कों पे बिना कपड़ों के नंगे घूमते हैं, या नालों में सड़े गले पड़े रहते हैं। तो सर, उनको आधी आधी रात को ढूंढकर अपनी गोद में लेके आता हूँ, फिर अपने गुरुकुल के अंदर उनको रहना, खाना, दवा और रोजमर्रा की सभी सुविधाएं निःशुल्क देता हूँ। तो ऐसे सर, भगवान जी के आशीर्वाद से 10 साल के अंदर कोई हजारों लोगों को सड़कों से रेस्क्यू कर लिया, हजारों लोगों के परिवार भी ढूंढ दिए, उनको यूनाइट करा दिया, और अभी कई 100 बेसहारा लोग हमारे यहाँ परमानेंट रहते हैं। और सर, अभी तक मैं वैसे तो भगवान जी के आशीर्वाद से कुल 6000 से ज्यादा लवारिस लाशों का दाह संस्कार कर चुका हूँ। इसके अलावा भारत सरकार, आपको जानकर बड़ा गर्व होगा, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट से हमारे एक यूनिक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है सर, जिसमें वो अनक्लेन डेड बॉडीज वो हमें एवरी डे 30 से 40 लाशें हैंडओवर करते हैं सर। इनमें अनक्लेन बॉडीज हैं ये? यस सर। यानी कोई आता नहीं बताने के लिए कि कौन? नहीं सर, बच्चे आजकल माँ बाप की अस्थियां लेने भी नहीं आते सर।